दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इरफान सैयद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5। आज बात करते हैं गुजरात के लोगों के भाईचारे की, आपसी मेलजोल की। आज आपको बात करते हैं सूरत शहर की, जहां पर ईद मिलादुन नबी के जुलूस की तैयारियां चल रही है। 28 सितंबर को ईद मिलादुन नबी पूरे देश में मनाया जाएगा, लेकिन उसी दिन सूरत में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, सब जगह पर जहाँ पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है धूमधाम से, वहाँ पर गणेश विसर्जन का दिन भी आ रहा है 28 सितंबर को। सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर श्री अजय तोमर साहब को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने सूरत शांति शहर समिति जो है उसकी एक मीटिंग बुलवाई, जिसमें उन्होंने दोनों लोगों के बीच में, कौम के लोगों के बीच में, संतों महंतों, मौलाना जो हैं, जो पीरे तरीकत हैं, वो जो मुस्लिम अग्रणी हैं, हिंदू धार्मिक अग्रणी हैं, इनके आगे एक बात पेश की कि देखिए, अगर 28 सितंबर को दोनों त्यौहार मनाते हैं तो हो सकता है इसमें थोड़ी मुश्किल आ सकती है, मिसमैनेज हो सकता है कुछ भी। और अगर जो लोग फसाद पसंद जो लोग हैं, वो कुछ फसाद भी पैदा कर सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबल है। जब तोमर साहब की तरफ से सजेशन दिया गया कि हम लोग किसी एक त्यौहार को आगे पीछे कर लें, तो हिंदू और मुस्लिम समाज के जो अग्रणी हैं, इन दोनों ने मिल समझ कर एक बात नक्की की, एक बात तय की कि मुंबई में इस बार 28 सितंबर को गणेश विसर्जन हो रहा है, इसीलिए मुंबई के मुसलमान 29 सितंबर को ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालेंगे। इसी तर्ज पर सूरत शहर में भी हिंदू भाई जब 28 सितंबर को गणेश विसर्जन करेंगे, तो 29 सितंबर को मुस्लिम भाई ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालेंगे, जो शुक्रवार है। ईद मिलादुन नबी का जुलूस अपने तय रूट पर सूरत शहर में घूमेगा, और फिर वहीं पर जहां पर एंड होता है उस जो जुलूस का, वहीं पर एंड होगा। और सारी समितियां जो ईद मिलादुन नबी जुलूस की समितियाँ सूरत शहर की, वो CP साहब के साथ शांति समिति सूरत और हिंदू मुस्लिम मज़हब के जो नेता हैं, उन वो सब मौजूद थे उस मीटिंग में। और उस मीटिंग में इस बात को नक्की किया गया कि दो त्यौहार अलग अलग दिन मनाए जाएंगे, ताकि लोगों को सहूलत है और कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।